भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया को सुगम और सरल बनाने के लिए विभिन्न ऐप और पोर्टल तैयार किए गए हैं। देहरादून में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने पत्रकार वार्ता में ये जानकारी देते हुए बताया कि सुविधा पोर्टल के माध्यम से नामांकन प्रक्रिया हो सकती है। प्रचार अवधि में प्रचार की अनुमतियां हेलीकॉप्टर वाहनों पोस्टर बैनर और अन्य अनुमतियां सुविधा ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। ऑनलाइन मोड से अनुमतियों के लिए आवेदन भी किया जा सकता है और अनुमति प्राप्त भी कर सकते हैं। राज्य में सुविधा पोर्टल के माध्यम से अभी तक 2,121 अनुमतियों के लिए अनुरोध प्राप्त हुए, उनमें से 1,721 अनुमतियां प्रदान की जा चुकी हैं। सी विजिल ऐप में भी राज्य की प्रगति अच्छी है। उत्तराखंड देश के शीर्ष 3 राज्यों में अपनी कार्रवाई प्रदर्शित कर रहा है। संबंध में देहरादून जनपद में 306 अनुमतियां अब तक दी जा चुकी सर्वाधिक, हरिद्वार जनपद में 299 और उधम सिंह नगर में 288 सबसे कम अनुमतियां, 100 से भी कम अनुमतियां रुद्रप्रयाग और चंपावत जनपदों में प्राप्त हुई है। अभी ये कार्रवाई गतिमान है, 17 तारीख तक ये कार्यक्रम चल सकते हैं, अभी तक अनुमतियों की कार्रवाई हो सकती है। आज तक की प्रगति के अनुसार सी विजिल ऐप के ऊपर कुल प्राप्त शिकायतें जो है वो 17,377 हैं, उसमें से कुल निस्तारित शिकायतें जो है 16,800 हैं और जो निराधार शिकायतें जिसपे कार्रवाई अपेक्षित नहीं हो 554 है।